हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो हम अभी जाग के सीधा खेत में आ गए, क्योंकि कल शाम को हम जब खेत में चक्कर लगाने गए थे तब हमने उसके अंदर ईयर देखी थी। तो आज हमें उसके लिए दवा का स्प्रे करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सुबह जाग के सीधा खेत में आ गए। तो हम आपको दिखाते हैं हमारा खेत। ये जो देख रहे हो पूरा का पूरा खेत हमारा। अभी आ गए हम सुबह, तो इसमें देखना पड़ेगा ईयर। हम आपको भी दिखाएंगे ईयर का भ्रमण कितना है हमारे यहाँ, और इसका स्प्रे करना पड़ेगा हमें अभी। तो हमने जैसे बताया था उसी तरह इसके अंदर ईयर है। तो आप देख रहे हो वो इसके अंदर के पूरे पान को ऐसे ऐसे छेद कर देता है, छोटे छोटे छेद, बड़े बड़े छेद भी हो सकते हैं इसके अंदर। और ये जो अभी इसके अंदर सींग आई है उसके अंदर हम आपको दिखाते हैं। ये अभी जो सींग आई है ना, उसको भी पूरा खा जाती है, इसीलिए अंदर हमें इसके लिए दवा का स्प्रे करना पड़ता है। तो हम अभी इसके लिए दवा लेके इसका स्प्रे करना पड़ेगा। तो हम आज दवा का स्प्रे करने वाले हैं, तो हम आपको बताएंगे। और ये तुअर दाल में भी उसने छोटे छोटे छेद कर दिए हैं पान में, तो इसमें भी थोड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। तो अभी फाइनली हम ईयर की दवा लेने के लिए जा रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच चुके हैं लेने की जगह पे, एग्रो पे। तो चलो हम अभी दवा का स्प्रे करने के लिए पंप लेने आए थे मेरे भाई के घर पे। तो हम यहाँ से पंप लेके जाएंगे घर पे और वहाँ दवा का स्प्रे करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, हम अभी दवा का पंप लेके घर पे आ चुके हैं और अभी हम उसको स्प्रे करने वाले हैं, हम आपको दिखाते तो हम अभी का दवा का स्प्रे कर रहे हैं। बहुत तेज हवा चल रही है, इसी प्रकार से दवा भी थोड़ी दूर जा रही है। तो हमें कैसे भी करके दवा को तो लगाना ही पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ईयर है और बहुत टाइम से बारिश भी नहीं हुई है, तो वो भी दिक्कत है। तो इसीलिए हमें पानी भी चलाना पड़ेगा। आगे भी हमने ये दवा लेके उसका स्प्रे किया था, इसी वजह से हमें अच्छी लगी थी, इसका रिजल्ट अच्छा मिला था, तो इसीलिए हम फिर से यही दवा लेके आए हैं। तो इस साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे खेत पीछे की साइड है उस साइड बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे रह गए, उसके अंदर भी ईयर बहुत डैमेज हो गई है। और हम वहां गए थे तो उसने बोला था कि आपको जब धूप नहीं हो उसी टाइम ये उसका स्प्रे करना पड़ेगा, तो इसका गैस इसके अंदर जो आता है दवा के अंदर वो लगेगा, वरना धूप होगी तो गैस उड़ जाएगा। तो इसलिए हम धूप नहीं है अभी तो इसका स्प्रे कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें 2.5 से 3 घंटा लगेगा स्प्रे करने में। ये जो आप जो तुअर दाल देख रहे हो वो हमने पहले भी लगाया था जब बारिश बहुत आई थी तभी, उसके बाद वो नहीं निकल पाएगी खेत के अंदर से, तो हमने फिर से दूसरी बार ये लगाया, इसलिए अभी छोटी छोटी है, वरना ये अभी बड़ी हो जाती तो फिर भी इसके अंदर तो अभी रिस्क है,
क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और दूसरा रिस्क ये कि सोयाबीन अभी बहुत बड़े हो गए तो उसके अच्छे से धूप नहीं मिलेगा उसको, तो ये नहीं निकल पाएगी, इसीलिए उसको अभी बहुत रिस्क है हमारे लिए। तो फिर भी हम देखते हैं, निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं निकलेगा तो फिर भी हम कुछ जुगाड़ करेंगे इसके बारे में। और पीछे की साइड जो हमारे खेत है वहाँ पानी भरा रहता है पूरी बारिश में, तो उस साइड तो बहुत बढ़िया दिक्कत है, इसीलिए हम अभी कुछ नया जुगाड़ करते हैं इसके लिए। तो बने रहे हमारे वीडियो पे, हम आपको दिखाने वाले इसके लिए हम क्या करते हैं। और हमें यह पक्का यकीन है कि इस बार दवा का स्प्रे करके हम ईयर को तो निकाल ही देंगे इसके अंदर से, और ईयर नहीं निकली तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम ईयर को निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे खेत में इतनी बड़ी बड़ी जगह हो चुकी है, इसीलिए हमें अभी इसको पानी स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें अपने दवा का स्प्रे तो लगा दिया है, और दवा का स्प्रे हो जाने के बाद हमें पानी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी बिजली चली गई है। तो पहले तो हम उसको फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो पे। अब हमने दवा का स्प्रे कर लिया है, तो बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, तो हम अभी पानी लगाना पड़ेगा खेत में, इसीलिए हम अभी लाइन लेके जा रहे हैं घर पे। चलो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे खेत में पानी चलता है, वो सब आपको हम दिखाने वाले, तो बने रहे हमारे वीडियो पे। और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो फ्रेंड्स हम ये जो लाइन है वो उसको सामने तक हमें लेके जाने हैं, पहुँचाने वाले जो सामने दिख रहा है उधर तक हमें लेके जाना है अभी लाइन को, तो हम अभी लेके जाएंगे, उसके बाद हम पानी स्टार्ट करेंगे। तो कल से हम बिजली का वेट कर रहे थे, शायद अभी 9 बज चुके हैं, तो अभी बिजली आ चुकी है। तो चलो हम अभी मोटर स्टार्ट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये तो अंदर चला गया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अभी ये दोनों मोटर हमने स्टार्ट कर दिए है, तो अभी खेत में जाते हैं जहाँ पानी चल रहा है हमारा, क्योंकि उस जगह पे जाना ज़रूरी है हमें, क्योंकि पानी कितना आ रहा है वो देखना पड़ता है हमें। कम पानी आएगा, ज़्यादा आएगा, बिजली की दिक्कत रहेगी तो कम पानी आएगा, इसीलिए हमें पानी देखने के लिए हम जा रहे हैं खेत में। तो हम आपको दिखा दे, तो आप ये जो देख रहे हो कोकोनट का ट्री, यहाँ से हमारा पूरा पानी जाता है, इस जगह से हमारा पूरा पानी खेत में जाता है। तो गाइस इसी लाइन से हमारा पूरा पानी जाता है खेत में हमारे। ये मेरे चाचा का खेत है, इसके अंदर उसने मूंगफली, तुअर दाल और मैंगो के ट्री लगा रखे है। तो मेरे खेत में भी तुअर दाल और सोयाबीन लगा रखे हैं हमने, तो हम आपको दिखाते हैं अभी कितना पानी आता है। ये देख रहे हो सोयाबीन, अभी यहाँ तो हमने पानी कल चालू किया था मोटर, तो यहाँ तो पानी हो चुका है। तो इधर से थोड़ा पानी निकल रहा है बाहर, अभी हम आगे जाते हैं। हाँ तो पानी तो आ रहा है अभी, ठीक से आ रहा है सही, मतलब अभी बारिश का मौसम है तो फिर भी हमारे मोटर पानी तो कम ही निकल रही है ऐसा हमें लग रहा है। तो चलो फाइनली पानी पहुंच चुका है अभी, हाँ यहाँ पूरी जगह पे, पूरे खेत में हमें अभी पानी लगाना है, आप देख रहे हो। तो फ्रेंड्स हम अभी यहाँ सड़क पे रनिंग करने आए थे, एक मैं और मेरे भाई के दो लड़के थे, तो मैंने अभी रनिंग कम्प्लीट कर लिया है। तो मेरे भाई का लड़का अभी रनिंग करके आ रहा है, सामने से देख रहे हो आप, उसके पीछे भी दो लोग हैं, एक मेरा फ्रेंड है।